Welcome to Simply Lakshmi's Life. Hey, so finally मैं रेडी हो गई हूँ. मैं और कृति अतनु हम लोगों को छोड़ने के लिए जा रहे हैं. बाय बाय. थैंक यू. তুমি ভালো করে থাকবে, আমি ভালো থাকবো. মেকআপটা করে দিচ্ছে, মেকআপটা ঠিকঠাক ছিল না, ওটা করে দিচ্ছে. নতুন নামা পল্টো. এক সপ্তাহ পর দেখা হবে. ওখানে যে কিনে নেবে একটা, তোমরা না বহুত বহুত জায়গা নার্ভাস. जब सडन प्लानिंग होता है ना, तब ऐसे ही होता है. एक्साइटमेंट में तो मैंने बोल दिया कि हाँ मैं जाऊंगी, जाऊंगी. बट कितना प्लानिंग लगता है, कितना कुछ लगता है. थोड़ा टाइम मिल जाता तो अच्छा. हाँ, एटलीस्ट एक दिन टाइम मिल जाता तो बेटर होता. मैं खुद को ही बोल रही हूँ. हैप्पी जर्नी. मैंने आईब्रोज तक नहीं किया है, अभी जाके उधर ही करूंगी सब. चलो भाई, हैप्पी जर्नी. अब कृति का ख्याल रखो, कृति मम्मी का ख्याल रखना, ठीक है? टिफिन दिलो, डिलेट जानो, आरो लेट होगा ना. हमारा फ्लाइट ना 3 घंटा लेट था, तो इसलिए हम लोग वेट कर रहे थे. सडनली पता चला कि कुछ टेक्निकल इशू के कारण फ़्लाइट थोड़ा लेट होगा. मतलब आधा घंटा ऐसा करके पहले पता चल रहा था. उसके बाद फाइनली पता चला कि फ़्लाइट जो है 3 घंटा लेट होगा. एंड 3 घंटे के बाद हम लोग बोर्डिंग के लिए गए. फाइनली हम लोग दुर्गापुर आए 5:30 बजे. हम लोगों को 3:30 बजे आना था, 5:30 बजे हम लोग पहुँचे. यहाँ पे मेरे पापा, मेरी भाभी और मेरे भैया की बेटी तीनों यहाँ पे वेट कर रहे थे हमारे लिए. बहुत पहले वो लोग आ गए थे, पहुँच गए थे. डिले होने के कारण लोगों को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा. तिरंजो परीक्षा कम लो भलो. I promise I won't leave your side. Be who you are.
मैं ना इस बार एक हफ्ते के लिए आई थी और मेरा मन था कि ये जो एक हफ्ता है मैं अपनों के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करके आऊँ, तो इसलिए डे वाइज व्लॉग तो मैंने शूट नहीं किया है। थोड़ा बहुत जो भी मैंने कैप्चर किया है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। जैसे सुबह मम्मी के साथ वॉक पे जाना, एक दिन मैं गई थी, इतना अच्छा लगा था। मेरे लिए मम्मी थोड़ा लेट हो गई थी, नहीं तो मम्मी बहुत अर्ली जाती है। और यहाँ पे ना काली माता की मंदिर है, जो मैंने लास्ट ब्लॉग में, मतलब लास्ट ईयर की ब्लॉग में भी शेयर किया था। जब भी हम लोग आते हैं यहाँ पे, आते हैं माता के दर्शन करने के लिए और मन को अलग ही एक शांति मिलती है। सो इस बार भी मैं आई थी और बहुत अच्छा लगा था। जब भी मन में कोई भी परेशानी होती है ना, यहाँ पे आ जाओ तो मन को अलग ही एक सुकून मिल जाता है। और जब भी मैं जाती हूँ ना, तो पापा के साथ सब्जी मार्केट तो मैं ज़रूर जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हर दिन, मतलब सुबह पापा ऐसे ही थैली लेके ना मुझे बोलते हैं कि चलो जाते हैं, मतलब थोड़ा वेजिटेबल लेके आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये छोटी छोटी चीज़ ना, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। रोंजू मेरा हेयर स्टाइल बना रहा है, उसको मॉडलिंग का बहुत शौक है, फैशन का बहुत शौक है, उसको बाल बनाने का बहुत शौक है ना रोंजू? हाँ। तो, फूल से कृति कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कृति का ना आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, वो उसने थोड़ा वॉमिटिंग किया। और यहाँ बैठ के अच्छा लग रहा है ना अभी इस टाइम पे ना, यहाँ बैठने से बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बाहर वो इलेक्शन का कैंपेनिंग चल रहा है। एड होच्छे समृद्धि ब्यूटी पार्लर आपनारा जदि जोगाजोग करते चान ताहले आपनारा समृद्धि ब्यूटी पार्लर जोगाजोग करुन, आपनादेरके जे कोनो रकमेर मेकअप आमादेर दीदी करे दिते पारे, ताई तो? और मैं ना, मतलब रोंजू के साथ मैं अपनी बचपन जी रही हूँ। जैसे वो दौड़ के भाग के जा रही है खेलने के लिए, मुझे जैसे अपना बचपन याद आ रहा है। मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे, एंड सच बताओ बहुत अच्छा लग रहा है। और अपनी जो मतलब चाइल्डहुड मेमोरी है वो सब याद आ रहा है। और जैसे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे ना, एक टाइम था जब हम भी ऐसे ही खेलते थे। हमारे टाइम में ना थोड़ा सा अलग था, हम लोग अलग कुछ खेलते थे, बट अभी कुछ अलग है। मतलब बच्चे ना थोड़ा अलग हो गया है, सारे बच्चे मिलना जुलना लोगों का, खेलने का तरीका। बट हाँ, ये सब देख के भी बहुत याद आता है अपना चाइल्डहुड। सो ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ़।